तो स्थानीय लोगों में दरअसल नाराजगी है पुलिस प्रशासन स्थानीय इंटेलिजेंस के फेलियर को लेकर। और नूह का नल्हड़ मंदिर, यहां लोग जब भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे तभी यहां पर उपद्रवियों ने तांडव शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी से बात की हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने। इस वक्त हम नूह के नलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है और मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी, उनसे जानते हैं। दीपक जी, कल क्या हुआ था? देखिए, श्रावण मास चल रहा है, भक्तों की अच्छी भीड़ थी, श्रद्धालुओं का सुबह से आना जाना लगा हुआ था, स्थिति बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा माहौल खराब हो गया जी। बाहर क्या हुआ था कि जब शोभा यात्रा यहाँ से निकली फिर वो वापस से यहाँ पर दोबारा से अंदर आए तो क्या पथराव हो रहा था, गोलियाँ चल रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी? देखिए, ऐसी स्थिति जो भी थी, अब मंदिर के अंदर तो कुछ नहीं था, जो भी था मंदिर के बाहर ही था, और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं क्योंकि हम तो मंदिर के मठ से बाहर आए नहीं, मंदिर के मठ में ही थे और तकरीबन मंदिर में ही रहे क्योंकि हमें, देखिए, फोर्स वगैरह ने मना कर रखा था और वैसे भी इतने लोगों के बीच बाहर आना ये स्थिति में थोड़ा हमने उचित भी नहीं समझा और हमें जानकारी भी नहीं है कि बाहर क्या हुआ, लेकिन ये था कि माहौल ख़राब था जी। मंदिर के अंदर तकरीबन कितने लोग मौजूद रहेंगे उस टाइम पर जब बाहर माहौल ज़्यादा ख़राब था? ये कोई 2500-3000 लोग थे जी, तो तकरीबन वो मंदिर के अंदर ही थे। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा बिगड़ा यहाँ, तो यही था कि अब बाहर जाने वाले जो बाहर से लोग आए थे तो वापसी नहीं जा पाए स्थिति ख़राब होने की वजह से, तो वो मंदिर में ही आ गए, उन्होंने मंदिर में ही शरण ली। शोभा यात्रा जो है वो यहाँ से निकलनी थी, कहाँ तक जानी थी और क्या वापस मंदिर में आनी थी? देखिए, इतनी जानकारी तो हमें नहीं है, जो भी है ये तो ऊपर वाले अधिकारी जानते हैं, बस इतना था कि शोभा यात्रा इस मंदिर के लिए आएगी, इतनी हमें जानकारी थी। आप बता रहे हैं 2500-3000 लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो कितनी देर तक फंसे रहे, फोर्स कितनी देर में यहाँ पर पहुँची? देखिए, वो लोग कम से कम 2-2.5 घंटे तो यहाँ फंसे ही रहे, तो तकरीबन फोर्स आने में भी ये था कि 1 घंटा लग ही गया माहौल को काबू करने में, तो ये था कि स्थिति थोड़ा सा नर्वस थी, तो लेकिन प्रशासन ने आके यहाँ माहौल को काबू कर लिया जी। अंदर भी क्या गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसा कि लोग भी बता रहे थे कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी गोलियों की? देखिए, अंदर तो ये था कि अपना माइक वगैरह भजन वगैरह चल रहे थे और लोगों में उत्साह था, तो इतने बार की हमें पता नहीं लगी, लेकिन जैसे कुछ माहौल बाहर बिगड़ा तो हम तो गेट के अंदर, मतलब मंदिर के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए, बस इतना जरूर सुनने को मिला कि बाहर माहौल ठीक नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।